Hello students, today I will teach you lesson 3, caring the public property in English reader. In this chapter, in this lesson, the writer tells or describes about the public property or private property. So I tell you, सबसे पहले हम ये देखते हैं इसमें कि public property क्या है और private property क्या है. अब जैसे book है, pen है, तो ये क्या है? ये private property है. इस पे हमने हमारी खरीदी हुई है, इसमें हमारा स्वामित्व है, ये हमारी, इसके owner हम हैं, मालिक हम हैं, तो इसको हम कहेंगे प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब जैसे रेल है, पोस्ट है, सड़क है, तो ये क्या है? ये है पब्लिक प्रॉपर्टी, तो इस पर हम सबका स्वामित्व है. तो अब इनकी हम देखभाल कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे. इसके राइटर है थॉमस जेफरसन. तो आइए फर्स्ट फिर हम स्टार्ट करते हैं. एज ए स्टूडेंट यू रिक्वायर ए बुक, पेन, ए नोटबुक और पेंसिल. एक विद्यार्थी के रूप में, एक छात्र या विद्यार्थी के रूप में हमको किसकी आवश्यकता होती है? पेन की, पेंसिल की, नोटबुक की, है ना? तो वंस यू बाय दीज थिंग्स, जब हम एक बार इन चीजों को खरीद लेते हैं, इनको हम जब खरीदते हैं, तो दे बिलोंग टू यू, तो वो आपसे संबंधित हो जाती हैं, उन पर आपका स्वामित्व हो जाता है, आप उनके मालिक हो जाते हैं. तो यू बिकम देयर ओनर्स, आप उनके मालिक बन जाते हैं, आपका जिम्मेदारी बनती है, आप उनकी देखभाल अधिक करते हैं. तो दीज थिंग्स योर पर्सनल प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, ये आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है, इस पर आपका ज्यादा इसको देखभाल करने की आपकी ज्यादा जिम्मेदारी होती है, ये लोग समझते हैं. यू टेक केयर टू मेंटेन देम, आप इनकी देखभाल अच्छे से करते हैं. यू हैव टू सी दैट दे आर नॉट मिसयूज, आप ये देखते हैं कि इसका कोई दुरुपयोग न करें. बाय अदर्स, इन हमारी वस्तुओं का किसी के द्वारा मिसयूज न किया जाए, इनका दुरुपयोग न किया जाए. यू हैव टू बी वॉचफुल अगेंस्ट देयर थेफ्ट, और हम ये भी देखते हैं कि हमारी इस संपत्ति को, इन चीजों को कोई यानी चुरा न ले. Sometimes you spend your money. Sometimes means कभी 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 you spend your money, अपना धन खर्च करते हैं. किस पर? To buy a house, घर खरीदने पर, और other big items, और बड़े बड़े यानी ज्यादा पैसा लगाते हैं. जैसे you buy a car, मोटरसाइकिल, तो इस पर हमको अधिक धन खर्च करना पड़ता है, तो ये आप खरीदते हैं. तो इट मे इंक्लूड सम पेट एनिमल्स यू लव, इसमें और जैसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, इसमें और क्या चीज हो सकती है? इसमें कोई जानवर हो सकता है जिसको आप ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, जिससे आपको लाभ भी होता है, आपके लिए यूजफुल होता है, लाभदायक होता है. तो दीज आर पर्सनल प्रॉपर्टी, ये आपकी व्यक्तिगत संपत्तियां हैं. बिकॉज ऑफ देयर यूजफुलनेस, ये इसका आपके जीवन में है, आपके लिए लाभदायक है ये चीजें, टू यू आपके लिए, एंड देयर कॉस्ट, और इस पर इसकी कीमतें भी अधिक हो सकती हैं. तो यू पे ग्रेटर अटेंशन टू देम, इनके आप इनकी अधिक से अधिक या ज्यादा इसको इन पर ध्यान रखते हैं कि देखभाल करते हैं.